नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रूपाली शर्मा। बात करते हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं यूथ की जो है कहीं नाकामयाबी जो है हर चीज़ को लेकर सामने नज़र आती है। वहीं बात की जाए कि जम्मू कश्मीर का यूथ कितना ज़्यादा ड्रग्स में है, तो आए दिन जो है उसकी भी खबरें देखने को मिलती हैं। सुसाइड की बात की जाए तो उसकी भी खबरें जो है वो देखने को मिलती है। वहीं आज की बात की जाए तो एक ऐसा वाक्या है जो सामने नज़र आ रहा है, जिसे आप भी सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है दंग रह जाएंगे। जी हाँ, अगर बात करें साउथ कश्मीर से, एक ऐसा केस नज़र आया है सामने। 10 साल का बच्चा जो है महज 10 साल की उम्र में जो है ड्रग्स जो है वो लेता है और ड्रग एडिक्टेड है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है चौंकना करने वाली ये खबर जो है सामने नज़र आ रही है, क्योंकि 10 साल का बच्चा महज चौथी या पाँचवीं में पढ़ने वाला होता है और 10 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा ड्रग्स लेता है तो बहुत बड़ी बात जो है देखने को सामने नज़र आती है। क्योंकि जिस तरीके से इलीगली अगर ड्रग्स की बात की जाए तो जिस तरीके से पेडलर्स को पकड़ा जाता है, और 10 साल के बच्चे के पास जो है ड्रग्स आखिर कहाँ से पहुँचे, ये भी बहुत बड़ा सवाल जो है उठता है। वहीं आपको बता दें कि बच्चे की बात की जाए, साउथ कश्मीर का जो बच्चा है फिलहाल जो है आइडेंटिटी जो है उस बच्चे की जो है वो नहीं दिखा सकते। नाम वगैरह जो है वो आइडेंटिटी जो है वो दिखाने पे जो है कहीं ना कहीं रोक होती है। वहीं लेकिन बात की जाए बच्चे की, तो एक कहानी जो है उसके पीछे छिपी हुई है कि बच्चे को जो है लिवर की प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हुई थी। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो हेपेटाइटिस सी की जो बीमारी है डॉक्टर्स ने बताई, लेकिन साथ ही साथ जब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे को जो है इंजेक्शंस के लिए देखा गया कि इंजेक्शंस जो है लगाएं ताकि ट्रीटमेंट जो है उनका हो सके, तो वहाँ देखा गया कि बच्चे की बाजू पे जो है ऑलरेडी काफ़ी सारे जो प्रिक्स हैं यानी इंजेक्शंस जो हैं वो दिखे। लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं एथिकली नहीं थे। जहाँ पर बात की जाए डॉक्टर्स और नर्स की, तो उनका भी एक तरीका होता है, लेकिन वो जो प्रिक्स वहाँ लगाई गई थी वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके की थी। तो डॉक्टर्स ने जब उसकी पूरे तरीके से जांच की तो वहाँ पाया गया जो बच्चा है वो हेरोइन एडिक्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा एक चौंकना करने वाली जो खबर है सामने नज़र आती है। जम्मू कश्मीर का यूथ किस तरीके से जो है ड्रग्स में डूब रहा है वो भी देखने वाली बात है। महज 10 साल के उम्र के बच्चे को ड्रग्स मिला कहाँ से, ये भी बड़ा सवाल उठता है। तो सवाल का जवाब ये है कि बच्चे को ड्रग्स जो है उसकी फैमिली से मिला। जी हाँ, उसके फैमिली मेंबर्स की बात की जाए तो घर में से जो है 2 मेंबर्स भी ड्रग एडिक्टेड थे, जहाँ से बच्चे ने अपने ड्रग्स को है जो लेना स्टार्ट किया। और आपको बता दें साथ ही साथ वहाँ बच्चा जो है अपने फैमिली मेंबर्स जहाँ ड्रग्स वो छुपाते थे वहाँ से जो है ड्रग्स लेकर जो है अपना डोज पूरा करता था और वहाँ से जो है इंजेक्ट खुद को करता था। तो डॉक्टर्स ने फ़िलहाल के लिए बच्चे को जो है अभी रिहैब सेंटर में डाल दिया है और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बच्चे को ठीक किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये उठती है कि अगर 10 साल का बच्चा भी अब ड्रग्स में डूब रहा है और किस तरीके से अब जो हमारा चित्र है, बात करें यूथ का या बच्चों का भविष्य उनका किस तरीके से सामने नज़र आता है, ये सोचने पर बहुत बड़ी बात जो है सामने नज़र आती है। क्योंकि ड्रग्स की बात की जाए तो इलीगली जहाँ हर दिन आए दिन जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सुसाइड केसेस जो है वो भी देखने को मिलते हैं, ड्रग्स के केसेस जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से किस तरीके से खुद को बाहर निकाला जाए, जम्मू कश्मीर की यूथ को है किस तरीके से संभाला जाए, और जहां बच्चे की बात करें तो आज बहुत बड़ी जो है चौंकना करने वाली खबर है कि महज 10 साल का बच्चा जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो लिवर की बीमारी के लिए हॉस्पिटल गया और वहाँ पर जो है हेरोइन एडिक्ट पाया गया। तो फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है साउथ कश्मीर से कि 10 साल में, महज 10 साल में एक बच्चा जो है ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। फिलहाल डॉक्टर्स ने जो है उसे रिहैब सेंटर में डाल दिया है, इलाज जो है पूरे तरीके से चल रहा है। अब ये देखना है कि बच्चा जल्द से जल्द जो है वो ठीक होता है या नहीं होता। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।